स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ऑनलाइन मॉडल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिटेनिंग वॉल। वो रिटेनिंग वॉल किस तरीके से कास्ट किया जा रहा है, यहाँ पे साइड पे किस तरीके से बनाया जा रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक नाला है, जो कि बारिश के टाइम में ये नाला जब ओवरफ्लो होता है तो पानी जो है यहाँ पे ओवरफ्लो करके कॉलोनियों में जो है चला जाता है, जिसकी वजह से कॉलोनी वालों को बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल को बनाया जा रहा है और किस तरीके से बनाया जा रहा है वो देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल को बनाया जा रहा है। नीचे आप देख रहे हैं कास्टिंग किया जा रहा है, तो कास्टिंग जो है अच्छे तरीके से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सूट है, इस सूट की मदद से किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है जो टेक्निकल जो हमारा होता है कि अगर आपका कंक्रीट का जो पोरिंग है, जो आप कंक्रीट का पोरिंग करने जा रहे हैं, अगर वो एक या डेढ़ मीटर से ऊपर से अगर आप कंक्रीट का पोरिंग कर रहे हैं तो आपको सूट का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे कंक्रीट में सेग्रीगेशन ना हो, जिससे हमारे कंक्रीट खराब ना हो। पर यहाँ पे सूट का प्रयोग किया जा रहा है, और जो कि एक बेहतर तरीके से एजॉक्स मशीन के द्वारा जो है यहाँ पे कंक्रीट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं एजॉक्स मशीन का जो क्वांटिटी होता है इसमें, एजॉक्स मशीन जो है हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी लेके आ पाती है, वो है मात्र 2 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे 2 क्यूबिक मीटर को लाया गया है और ला के यहाँ पे कास्टिंग किया जा रहा है। अब ये एजॉक्स मशीन का ही यहाँ पे क्यों प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जगह है वो जगह क्या है, काफ़ी दलदली टाइप का है और ये थोड़ा सा खराब टाइप का एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैवी मशीन जो है नहीं आ सकती। अगर वो आती है तो यहाँ पे फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा मशीन जो है हमारा एजॉक्स है उसका प्रयोग किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कास्टिंग किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कास्टिंग यहाँ पे प्लाईबोर्ड का यूज किया गया है। प्लाईबोर्ड लगाने के बाद आप देख रहे हैं साइड साइड में बल्ली लगाया गया है, जिसकी वजह से वो सपोर्ट दे, वो क्या करे सपोर्ट दे। और सपोर्ट देने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जब आप कंक्रीट का पोरिंग करेंगे, देख रहे हैं आप कंक्रीट का पोरिंग हो रहा है, तो सपोर्ट अगर आप नहीं देंगे तो हमारा शटरिंग जो है फैल जाएगा, जिससे हमारा जो शेप दिया है यानी कि जो हम शेप देंगे रिटेनिंग वॉल का, वो शेप नहीं बन पाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी का भी यहाँ पे है, पानी जो है सीपेज यहाँ पे हो रहा है, पर इन लोगों ने डिवाटरिंग करके जो कि कास्टिंग का काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे स्टील का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे जो ड्राइंग है वहाँ पे स्टील नहीं दिया गया है, यह एक मास कंक्रीट रिटेनिंग वॉल है। अब देख रहे हैं आप इसको लेयर वाइज कर रहे हैं, जैसा कि हमने अपने कोर्स में आपको बताया है कि जब भी हम कास्टिंग करते हैं तो लेयर वाइज करते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो हाइट है, जो हमारी शटरिंग की हाइट है वो है 1200 mm, ठीक है, 1 मीटर 200 mm है, पर ये लेयर वाइज कर रहे हैं 200 या 300 mm की हाइट को लेयर वाइज कर रहे हैं। अभी आप देखें ये अभी लास्ट में थे, फिर इन्होंने क्या किया एक लेयर को कंप्लीट किया, फिर वापस आए हैं और फिर उसके बाद जो है 300 या 400 mm का या फिर 200 mm जो इन्होंने हाइट रखा है वो हाइट को मेंटेन करते हुए जा रहे हैं, और ऐसा ही आपको साइड पे करना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप साइड पे कास्टिंग कराएंगे किसी भी कंपोनेंट का, तो आपको इसी तरीके से लेयर वाइज लेयर जो है कास्टिंग करना है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, आपको एक खुशखबरी बता दूं कि सिविल गुरु जी आप सभी के लिए लेके आए हैं प्री लॉन्चिंग कॉप्स ब्रिज, जिसमें आपको कई सारे कोर्स मिलेंगे, जो कि ड्राइंग रीडिंग होगा, जो कि आप साइट पर रहकर किस तरीके से ड्राइंग को रीड आउट करोगे, अपने काम को कंप्लीट करने के बाद अथॉरिटीज इंजीनियर से किस तरीके से चेकआउट कराओगे, ब्रिज बार बेंडिंग शेड्यूल, जो ब्रिज का बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरीके से बनाया जाता है, एडवांस बीबीएस ऑफ बॉक्स कलवर्ट, और साथ ही साथ आपको एस्टिमेशंस भी सीखने को मिलेगा कि ब्रिज का किस तरीके से एस्टिमेशंस एंड कॉस्टिंग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ब्रिज लाइन में तो आपको हमारे कोर्स को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको कई टेक्निकल चीजें मिलेंगी सीखने के लिए। तो दोस्तों इसको एनरोल करना काफी इजी है, आप हमारे साइट पे सिविल गुरुजी के साइट पे आके एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है एनरोल करने में तो आप दिए हुए नंबर 9111001234 पे कॉल करके आप हमारे काउंसलिंग टीम से बात करिए और अपने समस्याओं का समाधान क्लियर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।